हेलो दोस्तों, आज 21 जनवरी 2018 को मैं अपने परम मित्र श्री अशोक मिश्र जी के साथ मुंबई में अपने ऑफिस में बैठा हूं। आज अशोक जी से मेरी मुलाकात लगभग 20 वर्ष के बाद हो रही है। हम लोगों ने 1996 से 1998 तक का समय लगभग 2.5-3 साल का दिल्ली में एक साथ गुजारा है पत्रकार के रूप में। JVG टाइम्स में हम काम करते थे साथ में, और उस वक्त मेरे मन में जो बहुत सारे सपने थे, कविताएँ लिखता था मैं, किताब लिखूँगा, किताब छपी, और मैं क्या सोचता हूँ, आगे मैं क्या करना चाहता हूँ, ये सब बातें मैं जिन लोगों के साथ शेयर करता था उसमें से अशोक जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान थे। अशोक जी से मैं बहुत सारी अपनी बातें, दिल की बातें उस वक्त कहता था। बहुत सारे लोग उन बातों को बहुत हल्के तौर पर लेते थे, कोई कोई मजाक भी करते थे, लेकिन अशोक जी ने हमेशा उन बातों को किस तरह से लिया, मैं ये चाहता हूँ कि आज अशोक जी खुद बताएं। अशोक जी, 1996 दिल्ली JVG टाइम्स, एक लड़का संदीप नाथ और एक अशोक मिश्र जी, बोलिए क्या कैसा था समय वो? JVG टाइम्स की शुरुआत मुझे लगता है कि मई के पहले हफ्ते में या अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हुई थी 1996 में, और उन दिनों मैं उसका संपादकीय पेज देखा करता था। जी जी। और हमारे अखबार का लगातार विस्तार हो रहा था और एक के बाद एक नए संस्करण निकल रहे थे, उसी क्रम में नई भर्तियां भी हो रही थी, और जो नई भर्तियां आगे चल के हुई उसमें एक साथी संदीप नाथ जुड़े, हमारे बीच में आए और उनको काम सौंपा गया। उसी समय कुछ समय मुझे संदीप नाथ के साथ भी काम करने का मौका मिला। संदीप नाथ दिल्ली आए और दिल्ली अपने साथ कुछ सपने भी लेकर आए थे, मगर इनके व्यक्तित्व की एक बहुत खास विशेषता थी कि ये किसी भी व्यक्ति या बौद्धिक जो व्यक्ति होता था, विद्वान होता था, उससे आतंकित कभी नहीं होते थे, बल्कि उसके व्यक्तित्व से सीखने का भी प्रयास करते थे और अपनी बात पूरे जोशो खरोश के साथ रखते थे। तो इन्होंने डेस्क ज्वाइन किया और उसके बाद हमारी कुछ चर्चाएं होने लगीं साहित्यिक। इनको पता लग गया कि अशोक जी साहित्य में गहरी पैठ रखते हैं। अब ये प्रतिदिन शाम को आते और जैसे बैठते वैसे ही अपने जेब से एक चिट निकालते, अशोक जी पहले ये देख लीजिए, मैंने आज 2 शेर लिखे हैं। तो मैं इनको बताता, ठीक है ये शेर तो ठीक है। इस तरह इनका एक जुनून था इनके भीतर और ये लगातार लिखते रहते थे। अचानक इन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि मैं जो है गज़ल का मीटर समझना चाहता हूँ। और मैंने कहा भाई गज़ल का मीटर आप समझना चाहते हैं तो मैं गज़ल का विद्वान नहीं हूँ। फिर मैंने खोज कर एक किताब थी गज़ल का व्याकरण, करेक्ट, कुंवर बेचैन की लिखी हुई, yes, वो किताब yes. मैंने लाके संदीप को दी, करेक्ट। उसके बाद संदीप उससे और ज़्यादा जोश और खरोश के साथ लिखने लगे, करेक्ट। संदीप की एक और विशेषता थी कि ये अपने काम में इतने धुन के पक्के थे कि डेस्क का काम पूरी गंभीरता के साथ करते थे और जिद्दी इतने थे कि अगर इन्होंने कह दिया कि अशोक जी अब चाय पीने चलना है, मैं अगर कह रहा हूँ नहीं 2 खबर और कर लेंगे तब चलेंगे, नहीं नहीं अब भाई साहब छोड़ दीजिए, मैं बिल्कुल अब मान नहीं सकता, मुझे चाय पीना है, और खींच के ले जाता था और ये साथ में मुझे भी घसीट कर ले जाते थे और हम लोग एक साथ काम करते हुए ये एक सपने को लगातार देख रहे थे कि अशोक जी मेरी किताब छपनी चाहिए गजलों पर। और उसके बाद फिर हमने अपने एक वरिष्ठ कवि थे धनंजय सिंह, उन दिनों वो कादंबनी में वरिष्ठ संपादक थे, उनसे मिलवाया। वो बहुत अच्छे गीतकार होने के साथ साथ एक बहुत ही संवेदनशील इंसान भी हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले तुम अपनी पांडुलिपि तैयार करो, तुमको फिर एक प्रकाशक से मिलवाता हूँ। और फिर हम लोगों की एक मुलाकात होती है पराग प्रकाशन के मालिक थे श्री कृष्ण गुप्त, यस। और पराग प्रकाशन ने एक दौर में बहुत महत्वपूर्ण किताबें छापी थी हिंदी के सारे बड़े साहित्यकारों की। यह अलग विषय है आज की डेट में कि पराग प्रकाशन बाद में किन्हीं पारिवारिक कारणों से डूब गया। वहां से संदीप की पहली किताब आई मुझको कुछ भी नाम दो, मुझको कुछ भी नाम दो, यस।
और वो किताब आई और किताब आई दर्पण गिंद, उसमें विवांचु दिवाल से भी आपने मिलवाया था, उनका भी पता आपने दिया था। फिर उसके बाद जो है वो किताब आई और उसे लेके विवांचु जी से मैंने मिलवाया और इनकी रचना यात्रा लगातार आगे बढ़ती रही। ये लगातार जुनून के साथ साथ सीखने का प्रयास बहुत करते थे कि कैसे और बेहतर लिखा जाए, कैसे और अच्छी चीज़ें की जाए। तो ये संदीप नाथ का एक व्यक्तित्व था। और वहीं जब इनकी पहली किताब आई, उसके बाद दूसरी आई, दूसरी किताब आते आते इनके मन में एक सपना था कि भाई साहब मैं तो फिल्मी दुनिया में गीत लिखने जाऊंगा ही जाऊंगा। तो मैंने कहा यार ऐसा है कि फिल्मी दुनिया में जाओगे ये तो ठीक बात है, वहाँ जावेद अख्तर से लेके गुलजार तक बहुत सारे बड़े गायक लोग पड़े हैं, तुम कैसे पैर जमाओगे। उन्होंने कहा मुझे तो जाना है, चाहे जो हो जाए मैं जो निर्णय ले लेता हूँ ले लेता हूँ। तो मैंने इनको शुभकामनाएं भी दी और कहा कि तुम निश्चित रूप से जाओगे और एक दिन सफल भी होगे। उस समय संदीप और हम बहुत सारी बातें करते थे, बहुत सारी बातें हो सकता है मुझे भी याद ना हो, मगर बहुत सी चीज़ें याद भी हैं। और इस तरह वो अखबार दो ढाई साल चला हम लोगों का साथ रहा। फिर उसके बाद फिर आपका हैदराबाद आपने ज्वाइन किया? हाँ, मैंने हैदराबाद ज्वाइन किया तो संदीप साथ में स्टेशन तक छोड़ने आए और फिर वहाँ से हम लोग अपना यात्रा जो है अलग अलग हुई और संदीप फिल्मी दुनिया में आ गए और फिर गीत लिखने लगे। और मुझे लगता है कि फिर उसके बाद एक मुलाकात दैनिक जागरण के दफ्तर के सामने हुई कई वर्षों के बाद, 2007 या 6 की बात है। जी जी जी, बस थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ मुलाकात हुई, फिर उसके बाद अब आज मिल रहे हैं हम लोग इतने समय बाद आज मिल रहे हैं। तो बहुत सी यादें जो है वो आ रही हैं, जा रही हैं, लगातार फ्लैश हो रही हैं। और साथ साथ कुछ ये भी था कि जैसे इन्होंने खुद अपने बयान में कहा, दफ्तर के बहुत सारे साथी ये समझते थे कि अरे यार ये आदमी तो बहुत सनकी है और सीरियसली इनको नहीं लेते थे, ये एकदम सच बात है, मगर ये किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे और मुझसे कहते थे कि मुझे तो जो करना है वो करना है अशोक जी लाइफ में, और गीतकार बनना ही बनना है, फिल्मी दुनिया में जाना ही जाना है। तो ये थे हमारे संदीप नाथ और आज इतने दिनों बाद इनसे मुलाकात हो रही है। अच्छा ये बताइए अशोक जी, क्या बदलाव आया मेरे तो कुछ बदलाव आया क्या, क्या फर्क दिखते तब में और अब में आप? तब और अब में फर्क यह है कि अब आप एक फिल्मी दुनिया में जुड़कर सफल व्यक्ति बन चुके हैं, सफल गीतकार बन चुके हैं, एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आप लगातार काम कर रहे हैं और सारी चीज़ों पर जो है आपकी नज़र है और आपने सफलता अर्जित की है और आगे मुझे लगता है कि आप और अधिक सफलता अर्जित करेंगे। बाकी और कोई फर्क तो नहीं आया? नहीं, व्यक्तित्व में कोई बहुत फर्क नहीं आया। प्रदूषण तो मैं नहीं कह सकता, मगर व्यक्तित्व में कोई बहुत अंतर नहीं आया, वैसे ही है जैसे पहले थे। थैंक यू। तो आज हमने अशोक जी के साथ ये थोड़ा समय बिताया, अभी हम लोग और साथ में बातें करेंगे तो मेरे लिए बड़ा ये इमोशनल मोमेंट भी है और एक फ्लैशबैक जैसा भी है। तो मैं चाहता था ये फ्लैशबैक मेरे पास हमेशा रहे, जब भी मेरा मन करे मैं इन बातों को देखूँ, अशोक जी की बातें देखूँ और उनके साथ बिताए हुए पलों को फिर से याद करूँ। थैंक यू अशोक जी, लव यू।